हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ नान की रेसिपी शेयर करेंगे। ये नान बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और इसे हमने विदाउट चवन बनाया है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बोल में हल्का गर्म दूध लेंगे और अब इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम पाउडर शुगर ऐड कर रहे हैं और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें 2 एग्स ऐड करेंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन्हें इतना मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्लफी हो जाएं। और अब इसमें 4 कप मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जब हम इसका डो बनाएं तो इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और अब इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और इन सबको छानने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं इसी तरह से इसे गूंद लेंगे। ये सॉफ्ट सा डो रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे रैप कर देंगे और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए इसी तरह से रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आफ्टर 2 आवर्स ये अच्छी तरह से फ्लफी हो चुका है और अब हम इसमें 1-2 पंच और लगाएंगे और अब इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और इन्हें भी स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से इसके बॉल बनाकर एक साइड अलग रखेंगे और इसे भी रैप करके कम से कम 10 मिनट के लिए एक साइड अलग रखेंगे। और अब हम इसके नान बनाएंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से इसे हाथों से स्प्रेड करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा रोटी की तरह पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा थिक रखेंगे। और अब एक तरफ तवा गरम करेंगे और इसे सेकने के लिए रख देते हैं। जब इसके ऊपर हल्के से बबल्स आने लगेंगे तब इसकी साइड चेंज करेंगे और स्पैचुला से प्रेस करते हुए इसे गोल्डन सा सेक लेते हैं। और अब ये अच्छी तरह से सिक चुका है तो इसे निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से बाकी के नान भी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से पहले हाथों से इसे स्प्रेड करेंगे और उसके बाद बेलन से रोल अप कर लेते हैं और इसे थोड़ा थिक रखेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाए और इसी तरह से स्पैचुला से प्रेस करते जाएंगे। और ये अच्छी तरह से सेक चुके हैं तो हमारे सारे नान बनके रेडी हो चुके हैं। और अब एक बोल में मेल्टेड बटर लेंगे और अब इसमें चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इस नान के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। सारे नान के ऊपर ये बटर को अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसे किसी भी वेज या नॉन वेज रेसिपी के साथ ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, बाय बाय।